टर्की के शोज़ में हमेशा फर्स्ट एपिसोड में कोई ना कोई कपल होता है जिसे देख के हम लोग समझ जाते हैं कि ये कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। एटलीस्ट लास्ट एपिसोड तक कुछ ना कुछ शॉकिंग चेंज ज़रूर आता है, और वो चेंज कोई भी हो सकता है, धोखा, फरेब या मजबूरी। ऐसा ही एक शो है जिसका नाम है ईगो। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होती है एक होटल रूम में, जहाँ पे एक लेडी होती है और एक कपल होता है। वो कपल थोड़ा टेंशन में लग रही होती है। वो लेडी उनसे कहती है कि तुम लोगों को पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैं तुम लोगों को 3 मिलियन दे दूंगी। वो लोग मना करते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए। वो लेडी कहती है, मैं ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए। वो लोग पूछते हैं तो लेडी कहती है कि उस कपल में जो मर्द है उसे मेरे साथ 3 दिन इस रूम में बिताना होगा, मैं जो भी कहूँगी उसे वही करना होगा। वो कपल शॉक्ड होती है। फिर दिखाया जाता है कि 4 दिन पहले क्या हुआ था। उस कपल में से जो लड़की है एलिफ, वो एक मिडिल क्लास घर की लड़की है, किंडरगार्टन में जॉब करती है, और उसका मंगेतर एरहान एक फैशन कंपनी में एम्प्लॉई है। दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। अब इधर इस लेडी को दिखाया जाता है, इसका नाम है सिबिल। वो अपने गायनों के पास आई है और गायनो उसके रिपोर्ट्स देख के कहती है कि तुमने देर कर दी, मैंने कितनी बार कहा था कि मेरे पास आके एक बार चेकअप करा लो। सिबिल डर रही होती है कि आखिर हुआ क्या है। गायनो कहती है कि तुम्हारे ओवरी में जो सिस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें डिसाइड करना होगा अगर तुम बच्चा लेना चाहती हो कि नहीं। अगर बच्चा लेना चाहती हो तो ऑपरेशन से पहले ही ले लेना होगा, वरना देर हो जाएगी। तुम इतने दिनों तक अकेली रही, किसी को अपने पास भी नहीं आने दिया, इसी वजह से तो ऐसा हुआ। अगर तुम रिलेशनशिप में जाती तो आज तुम्हारे बच्चे होते। सिबिल कहती है, तो क्या मैं अब किसी को भी पकड़ के उससे प्रेग्नेंट हो जाऊँ बच्चे पैदा करने के लिए? गायनो कहती है, जो भी हो अब तुम्हें जल्दी करना ही होगा। सिबिल का दिल टूट जाता है और वो बाहर जाके बहुत ही डिप्रेस्ड फील करती है। दूसरों के बच्चों को देख के उसे और भी खराब लगता है। इधर एरहान एलिफ को एक अपार्टमेंट दिखाने लेके आया है। उसने प्लान किया है कि शादी के बाद वो लोग यहीं पे मूव करेंगे, पर एलिफ हैरान होती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। एरहान कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, तुम बस सपने देखो हमारे शादी के। एरहान जॉब पे जाता है और वहाँ पे बॉस है सिबिल। सिबिल इतने दिनों तक एरहान को नहीं देखी थी, लेकिन अचानक मीटिंग रूम के अंदर आते ही उसकी नज़र एरहान पर पड़ी और वो काइंड ऑफ इम्प्रेस हो गई। एरहान भी अपने दोस्त से उसके बारे में कहने लगता है कि ये लेडी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन मुझे इस पर फोकस नहीं करना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मीटिंग के दौरान बार बार वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हालांकि उन्हें देखना नहीं चाहिए। एरहान शायद ऐसे ही देख रहा होगा, लेकिन सिबिल की नज़र कुछ और ही कह रही है। यहाँ पे एरहान और एलिफ के रिलेशनशिप के डायनामिक्स दिखाए जाते हैं। एलिफ अपने डैड और भाई के साथ रहती है, और वो लोग एरहान को सिर्फ एलिफ का मंगेतर ही नहीं मानते बल्कि खुद का बेटा भी मानते हैं। वो लोग एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। एरहान उन लोगों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता है, इसलिए जितना भी कम पैसा कमाता हो वो उन लोगों को एक महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाता है। वो लोग भी हैरान कि आखिर एरहान क्यों इतना फालतू खर्चा कर रहा है, लेकिन एरहान उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करता है। इधर सिबिल को दिखाया जाता है, वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहती, अकेले एक दूसरे घर में रहती है क्योंकि उसके फैमिली में हमेशा झगड़ा होता रहता है। उसके डैड बहुत ही खड़ूस है, उन्हीं का पूरा एक ट्रैवल कंपनी है, लेकिन सिबिल फैशन में इंटरेस्टेड थी तो इसलिए उसने उसी कंपनी में एक फैशन कंपनी खोल दी और बहुत सक्सेसफुल बन गई। उसका एक भाई भी है जिसका नाम है टुंजय, उसने भी एक कंपनी खोली है उसी के डैड के ऑफिस में, पर वो इतना कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए वो सिबिल से जलता है। टुंजय 10 साल से शादीशुदा है अपने बीवी बेगम के साथ और उसके 2 बेटियां हैं। इसके अलावा सिबिल की अम्मी भी वहां रहती है। इधर एरहान एलिफ के साथ कितने सपने देख के रखे हैं शादी के और शादी के बाद के फ्यूचर प्लानिंग्स के, ये देख के एलिफ के डैड बहुत प्राउड फील करते कि उन्होंने सही दामाद चुना है। एलिफ का भाई भी अपने जीजा जी को बहुत पसंद करता है। इधर सिबिल की फैमिली को दिखाया जाता है जो डिनर कर रही होती है। सिबिल के डैड को अपने सारे बच्चों से प्रॉब्लम है। सिबिल इतनी सक्सेसफुल है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम है कि वो अकेली रहती है अपने फैमिली से दूर, और उसने अभी तक शादी नहीं की। टाइम जा रहा है लेकिन अभी तक बच्चे नहीं लिए। उसे टुंजय से ये प्रॉब्लम है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, हालांकि उसकी 2 बेटियां हैं लेकिन उसने अभी तक उसे पोता नहीं दिया, जिस बात पे बेगम बुरा मान जाती है। और उनकी एक छोटी बहन भी है सिनेम, और इन्हें पता चल गया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, इससे भी सिबिल के डैड को प्रॉब्लम है। इसी से पता चलता है कि सिबिल क्यों घर पे नहीं रहती। अब टुंजय की बात करें तो वो अपनी बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, दिन रात बस बाहर पार्टी करता रहता है या फिर काम पे चला जाता है बहाने से, और बेगम को घर पे अकेले सब कुछ झेलना पड़ता है। इसलिए वो कहती है कि मेरा शौहर तो घर पे रहता ही नहीं है, तो मैं कैसे आप लोगों को पोता दे सकती हूँ। अब सिबिल के घर से सिबिल पर प्रेशर आता है कि सिबिल के डैड के दोस्त का बेटा जफर उससे मिलना चाहता है, यानी कि वो लोग सिबिल और जफर की जोड़ी बनाना चाहते हैं, इसलिए उसे प्रेशर देते हैं कि वो जफर से जाके मिले ताकि कोई बात बने, शादी हो, बच्चे हो वगैरह। पर सिबिल को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इधर पता चलता है कि एरहान आखिर इतने कॉन्फिडेंटली इतने पैसे खर्च क्यों कर रहा है। दरअसल एरहान और उसके दोस्त ने स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट किया था, वो भी 3 मिलियन का।
और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इरहान ने गलती कर दी कि पैसे मिलने से पहले ही उसने उस अपार्टमेंट को मॉर्टगेज में ले लिया, और अब वो जब ऑफिस आया तो उसका दोस्त बहुत ही टेंशन में लग रहा होता है। इरहान पूछता है तो उसका दोस्त कहता है कि बहुत बुरी खबर है, स्टॉक्स क्रैश कर चुके हैं, सारे पैसे गए, वो लोग बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। दोनों टेंशन में पागल हो जाते हैं, उन दोनों में लड़ाई तक हो जाती है। दरअसल स्टॉक्स के मामले में उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था, इसीलिए ये सब हुआ। अब इरहान टेंशन में ऑफिस छोड़ के जाने लगता है, पार्किंग एरिया में जाके अपना गुस्सा निकालता है, बहुत रोता है, चिल्लाता है, चीज़ें फेंकता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि इत्तेफाक से सीबेल भी वहीं पे अपने कार से सब कुछ देख रही है। उसने देखा कि इरहान कितना फ्रस्ट्रेटेड है और उसे उसके लिए तरस आने लगा। इरहान वापस ऑफिस आ जाता है और इत्तेफाक से वो और सीबेल एक ही लिफ्ट में होते हैं, और सीबेल उसकी हर एक डिटेल नोटिस करती रहती है। इरहान को नहीं पता, पर सीबेल उसके बाल, उसके टैटू सब कुछ देखती रहती है और वो उससे अट्रैक्ट होने लगती है। पर इरहान अपनी टेंशन में है, वो किसी से कुछ नहीं कहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इरहान को 3 मिलियन मिला है कैसे इन्वेस्ट करने के लिए। दरअसल एलिफ के डैड इरहान पे इतना भरोसा करते हैं कि उन्होंने इरहान को 3 मिलियन देने के लिए अपना घर गिरवी रखने की परमिशन दे दी। यानी कि इरहान ने स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए एलिफ के डैड के घर को गिरवी रख के पैसे निकाल के रखे थे। अब जब स्टॉक क्रैश हो चुका है तो 2 महीने में घर बिक सकता है। इरहान अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा होता है, पर किसी को डर के मारे बता नहीं पाता। वो भी एलिफ के डैड को अपना डैड मानता है, इसलिए उसे बहुत रोना आता है कि वो अपने डैड जैसे आदमी को इतना बड़ा धोखा दे रहा है। इधर सीबेल जफर से मिलने आती है मजबूरन। उससे बात करके उसे पता चलता है कि जफर सिर्फ अपने फैमिली को दिखाने के लिए सीबेल से शादी करके बाद में बहाने से डिवोर्स कर लेना चाहता है। सीबेल पूछती है कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? जफर कहता है नहीं, मुझे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए सीबेल बहाने से वहाँ से चली जाती है, और जफर को ये बात पता है। अब सीबेल बिजनेस के हवाले से कुछ तो सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए अनातालिया में वो एक होटल पे एक पार्टी रखती है जहाँ पे वो अपने स्पेशल एम्प्लॉयज़ को ही इनवाइट की थी। एक एक एम्प्लॉय के पीछे होटल पे बहुत खर्चा होता है, इसलिए हमेशा सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ को ही बुलाया जाता है। इरहान बेस्ट एम्प्लॉय नहीं है, उसके बावजूद वो इन्वाइटेड है। इरहान खुद इस बात से हैरान है, इसका मतलब सीबेल सच में उसे प्यार करने लगी है और बहाने से उसे होटल बुलाई है ताकि शायद उसे उसके तरफ से कोई चांस मिले। सभी होटल पहुंचते हैं और वहां सीबेल को बहुत बड़ा शॉक लगता है जब उसे पता चलता है कि इरहान की एक गर्लफ्रेंड भी है और उसे वो होटल पे लाया भी है। इधर टुंजाई को बार बार एक निहान नाम की लड़की का कॉल आए जा रहा है, पर टुंजाई एक बार भी कॉल नहीं उठा रहा है। फाइनली अकेले में वो उसकी कॉल उठाता है और उस तरफ से निहान उससे कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे आके मिलो, बहुत ज़रूरी बात कहनी है, मैं अनातालिया में हूँ। टुंजाई मान जाता है। अब सीबेल की पार्टी भी अनातालिया में ही है, तो बिजनेस के बहाने टुंजाई सीबेल के होटल पर रुक जाता है निहान से मिलने के लिए। वहाँ पे सीबेल इरहान को एलिफ के इतना क्लोज देख के बहुत जेलस फील करती है। अब टुंजाई वहाँ जाता है जहाँ पे निहान हो सकती है। वो याद करता है 5 साल पहले वो यहाँ पे आया था, उसका दोस्त उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाना था। अंदर एक सिंगर गाना गा रही थी और उसका गाना सुन के वो उसकी तरफ जब देखता है तो उसकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। यही है निहान। उस लड़की के परफॉर्मेंस के बाद वो उसे अप्रोच करता है और इसी तरह उन दोनों में प्यार मोहब्बत वगैरह होता है, जबकि टुंजाई तब भी शादीशुदा था और शायद उसके बच्चे भी थे। वो सबसे निहान का पूछता है तो एक लड़की उसे बताती है कि निहान बहुत ज़्यादा बीमार है, वो अब गा ही नहीं सकती। टुंजाई निहान का एड्रेस पता करके किसी तरह उसके पास पहुंच जाता है, और जब निहान दरवाज़ा खोलती है तो टुंजाई शॉक्ड हो जाता है। दरअसल निहान को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। टुंजाई को बहुत बुरा लगता है। अंदर जाके देखता है एक छोटा बच्चा है जो निहान को अम्मी पुकार रहा है। टुंजाई पूछता है इशारे में कि ये किसका बेटा है? निहान कहता है तुम्हारा ही है। टुंजाई शॉक्ड। वो पूछते हैं तुमने बताया क्यों नहीं? निहान कहती है मुझे हमेशा से अम्मी बनना था, तुम्हारे बाद मैंने किसी को भी नहीं देखा, तुमसे ही प्यार करती रही और तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती थी। मुझे लगा मैं खुद ही इसको संभाल लूंगी, इसलिए मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं ज़्यादा दिन बचने वाली नहीं हूँ, इसलिए मजबूरन तुम्हें बुलाना पड़ा। मुझे तुम्हारे घर तोड़ने का शौक नहीं था, ना ही तुमसे पैसे लेने के, लेकिन अब जब मैं नहीं हूँ तो मेरे बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, मुझे उसे यतीम खाने नहीं भेजना। मेरे जाने के बाद प्लीज़ तुम इसका ख्याल रखना। टुंजाई तब भी नहीं मान रहा होता है, निहान उस बच्चे को टुंजाई के पास भेज देता है, तब जाके टुंजाई का दिल थोड़ा नरम होता है। निहान कहती है कल हॉस्पिटल में मेरा लास्ट सेशन है, मुझे पता है उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहूँगी, तुम इसे लेके चले जाओ आज ही। टुंजाई बच्चे को ले जाता है और निहान यहाँ रोती रह जाती है। इधर होटल में जफर आ जाता है सीबेल का पीछा करते हुए। उसे कल की बात बहुत बुरी लगी, इसलिए वो उसका सामना करने आ गया और उससे चिपकने लगा। इधर टुंजाई भी अपने बेटे को होटल रूम में लेके आ गया है। उसका बेटा बार बार अपनी अम्मी के पास जाने की जिद करता है। टुंजाई की नज़र थोड़ी हटी और उसका बेटा होटल रूम से भाग गया, सीढ़ियों से होके हॉल पे चला गया।
सीढ़ियों से होके हॉल पे चला गया। उसी हॉल में एरहान और एलिफ थे। दोनों के पास चाबी नहीं थी तो एरहान रिसेप्शन से कॉपी लेने जाता है और एलिफ अकेली होती है। तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है जो अपनी अम्मी को पुकार रहा होता है, इसलिए वो उस बच्चे को संभालने लगती है। वो बच्चा टुंजाय का बेटा ही है। टुंजाय पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं एलिफ उस बच्चे का एक मॉम की तरह ही केयर करती है। टुंजाय भी एलिफ से बहुत अच्छे से बात करते हैं और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और इधर एरहान देखते हैं जफर सिबिल के साथ बदतमीजी कर रहा है तो वो जफर को मार गिराता है। इससे सिबिल कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह एलिफ और एरहान यूं ही शॉप्स वगैरह में महंगी ज्वेलरीज देख रहे होते हैं और एलिफ को एक नेकलेस बहुत पसंद आ जाती है। एरहान उसे ज़बरदस्ती ले जाता है उस ज्वेलरी को ट्राई करने के लिए, हालांकि वो लोग नहीं खरीदेंगे। वो लोग उतारने ही वाले होते हैं तभी पीछे से सिबिल आके कहती है कि इसे पैक कर दो, ये मेरी तरफ से एलिफ को गिफ्ट है। वो लोग बार बार मना करते हैं पर सिबिल कहती है प्लीज मना मत करो, कल एरहान ने मेरी बहुत बड़ी मदद की, समझ लो ये मेरी तरफ से थैंक यू है। एलिफ बहुत खुश होती है। यहाँ पे सिबिल की एक फैशन शो होती है शाम को और उसके बाद जो पार्टी होती है वहाँ पे एरहान अकेले में अपने दोस्त से अपने इस पैसे वाले टेंशन के बारे में कह रहा होता है कि वो एलिफ से कैसे कहेगा कि उसने उसके डैड के घर को ऑलमोस्ट खो ही दिया है वगैरह वगैरह। सारी प्रॉब्लम्स डिटेल्स में बोलता रहता है और पीछे से सिबिल सब सुन लेती है। अब वहाँ पे एलिफ आ जाती है और सिबिल नोटिस करती है कि एरहान एलिफ को बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता, इसलिए वो खुद जाके वहाँ पे कहती है कि एरहान मैंने तुम्हारी कॉल पे सारी बातें सुनी, मुझे बुरा लगा कि तुमने अपने 3 मिलियन उन स्टॉक पे खो दिए, बोल के चली जाती है। एलिफ समझ जाती है कि यानी स्टॉक क्रैश कर चुका है। एरहान उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा उसके घर को बचाने के लिए, पर एलिफ बिल्कुल टूट चुकी है। वो बेसुध होके समुंदर के पास चली जाती है। इधर सिबिल आके एरहान से माफ़ी मांगने का नाटक करती है, हालांकि उसने ये जानबूझ के ही किया। वो एलिफ पे चेक करने जाती है और देखती है एलिफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है समुंदर पे छलांग लगा के। सिबिल भी जंप लगा के एलिफ को बचा लेती है समुंदर से निकाल के। बाद में वो उसे अपने होटल रूम लेके जाती है और उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, पर एलिफ रोती रहती है। अब वहाँ पे एरहान भी आ जाता है और उसे वो बहुत समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और ये देख के सिबिल को बहुत जलन होती है। और अब वही सीन आने वाला होता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में आई थी। सिबिल उन लोगों को पैसे ऑफर करती है और बदले में ये मांगती है कि वो एरहान के साथ 3 दिन इस होटल रूम में बिताए और वो जो कहेगी उसे वही करना पड़ेगा। एलिफ तो बहुत गुस्सा करती है और कहती है हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बोल के एरहान को वहाँ से ले जाती है। लेकिन एरहान काइंड ऑफ चुप ही रहता है, जैसे कि उसे ये चाहिए था। हत्या कि सिबिल ने 500,000 एरहान के अकाउंट में डाल भी दिया है, उसे वो वापस चाहिए भी नहीं। इसी के लालच में शायद एरहान आ चुका है, पर एलिफ के लिए मोरालिटी सबसे आगे है। वो एरहान का सामना भी करती है कि आखिर तुम वहाँ पे चुप क्यों थे, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। एरहान कहता है मुझे भी ये पसंद नहीं, लेकिन सोचो इसी से हम बच सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो सही टाइम पे ये डील लेके आई है, थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन बदले में तुम्हारा घर बच जाएगा और हम लोगों ने जो जो सपने देखे वो भी पूरे हो जाएंगे। एलिफ मना करती है और कहती है अगर तुम इस डील को मान गए तो मेरी तरफ से हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एरहान चला जाता है। तो फाइनली एरहान सिबिल के पास चला ही जाता है उसके रूम और डील पक्की कर देता है। सिबिल भी उसे किस्तों में पैसे देने को राजी हो जाती है। इधर एलिफ का दिल बिल्कुल टूट जाता है और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि उसका होने वाला पति पता नहीं सिबिल के साथ क्या कर रहा होगा। इसी दौरान टुंजाय के साथ उसकी बात होती है और टुंजाय उसे संभालता है, हालांकि वो नहीं जानता है कि वो किस वजह से अपसेट है। और इधर दिखाया जाता है सिबिल और एरहान को। हमें लगा था गॉड नोज सिबिल एरहान के साथ क्या करने वाली है, पर वो उसे कार से कहीं ले जाती है, किसी अंधेरे से जगह पे, एक अंधेरे से घर पे, वो भी हुड पहना के अंदर ले जाती है। और उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, एरहान एलिफ से मिलने की कोशिश करते हैं पर एलिफ उससे नफरत करने लगी है। वो एलिफ से कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ है। एलिफ नहीं मान रही होती है, वो कहती है शायद मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन सच्ची में एरहान और सिबिल के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। सिबिल तो शायद उसके साथ बस टाइम स्पेंड करना चाहती थी, किसी तरह ये प्रूव करना चाहती थी कि एलिफ के रहते हुए भी अगर सिबिल के साथ वो टाइम स्पेंड करे तो वो सिबिल से प्यार करने लगेगा। अब धीरे धीरे एरहान को पैसे मिलने लगते हैं और वो सारे किस्तें चुका देता है और कर्जों से फ्री हो जाता है। लेकिन इसी दौरान वो और एलिफ बार बार किसी न किसी इत्तेफाक से मिल जाते हैं और अनएक्सपेक्टेडली वो सिबिल से प्यार करने लगता है और एलिफ उसकी उम्मीद में रह जाती है। लेकिन वो भी हमेशा अकेली नहीं रहती है, टुंजाय हमेशा उसके साइड रहता है, उसका मेंटल सपोर्ट बन के। सीरीज के एंड तक ये तक हो जाता है कि एरहान और सिबिल की शादी हो जाती है। ये इस तरह से हुआ कि एरहान बार बार एलिफ से माफी मांगता रहा और एलिफ उसे दूर करती रही उन रातों के बारे में सोच के। अब इधर सिबिल की जिंदगी में बहुत सारे राज, बहुत सारे मुश्किलात है जिसे वो बिना किसी को बताए दिल में दबा के घुट रही है, तो उसे कंधा देने के लिए आ जाता है एरहान।
पर इधर एलिफ विलन बन जाती है इन सब के दौरान। कैसे? एलिफ सिबिल से बदला लेने लगती है एरहान को छीनने के लिए, और इससे एरहान एलिफ से तंग आ जाता है और उसे नापसंद करने लगता है। अब एलिफ एरहान को हाथ से ज़्यादा देख अपने डैड की बीमारी के बहाने एरहान को अपने साथ रखने लगी, क्योंकि एरहान एलिफ से भी ज़्यादा उसके डैड की केयर करता था। और इस बात से सिबिल को गुस्सा आने लगा कि आखिर मेरा शौहर मेरे पास क्यों नहीं रह रहा। आखिर में एलिफ सामना करती है एरहान का कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। एरहान कहते हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे बदला लेने की वजह से। सबसे कह देता है कि वो सिबिल से ही प्यार करता है, वही उसकी वाइफ है। एलिफ का दिल टूट जाता है। एरहान और सिबिल उसके विलेन वाले हरकतों का एहसास दिला के एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं एज ए कपल। फिर एलिफ को भी पता चलता है कि वो भी कभी माँ नहीं बन सकती। आखिर में वो और टुनजाय रिलेशनशिप में चले जाते हैं और टुनजाय के बेटे को एलिफ एज ए मॉम संभालने लगती है। एंड में सिबिल प्रेग्नेंट होती है और बहुत खुश होती है। ये क्या बकवास देख लिया मैंने? यानी कि एक अमीर लड़की जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, वो एक गरीब लड़की जिसके पास कुछ नहीं है उससे उसका इकलौता प्यार छीन लेती है पैसे का लालच देके। और वो यहाँ पॉजिटिव हीरोइन है जिसने जायज़ काम किया है, क्योंकि शो के हिसाब से उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है इसलिए वो बहुत अच्छी है और वो हीरो को डिज़र्व करती है। और एलिफ बुरी है इसलिए वो बुरा डिज़र्व करती है। इसलिए ना आखिर में सिबिल के साथ सब कुछ अच्छा हो गया। और वो आदमी जो अपने जान से भी ज़्यादा अपने मंगेतर को चाहता था, उसके फैमिली को अपना मानता था, 3 दिन में उन्हें भूल के एक दूसरी औरत के बाहों में चला गया। इतनी ताकत है पैसों में। और बहाना क्या था कि उसकी मंगेतर बदला लेने लगी और विलेन बन गई। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता ना। चलो बदला तो उसने लेट से लिया, उससे पहले जब एलिफ ने एरहान को ठुकरा दिया, एरहान वापस उस औरत के पास जाके उसे संभालने क्यों लगा? कौन है वो उसकी? उसने उसे 3 दिनों के लिए खरीदा था बस। शायद उन दिनों वो उससे अपना दुख दर्द बांट रही होगी, पर वो एक बॉयफ्रेंड की तरह उसका ख्याल क्यों रखने लगा? 3 दिन और पैसे काफ़ी है इतने तगड़े प्यार को भूलने के लिए। और एलिफ ने जो भी किया वो नॉर्मल है, पर मेन लीड को मिलाने के लिए एलिफ को तो विलेन बनाना ही पड़ेगा। सिबिल ने उससे उसका प्यार छीन लिया धोखे से, ऊपर से गुस्सा होती है कि उसका शौहर उसके पास क्यों जाता है, और टुनजाय अपने बीवी बच्चों को भूल के एलिफ के साथ कैसे बस गया? क्या हो रहा है ये सब? अक्सर इन सीरियल्स में गलत को इतना जायज़ कैसे दिखाते पता नहीं। ये शो कोरियन सीरीज़ का रीमेक है, पता नहीं वो शो सही है या ऐसा ही नाजायज़ है।